So, today we will learn about labor. So, firstly, we will see the definition. So, it is a series of events that take place uh, in genital organs in an effort to expel the viable products of conception, the fetus, placenta, and membranes out of the वोम थ्रू द वजाइना ना इन टू द आउटर वॉल इस कॉल्ड लेबर सो ये इसका एक डेफिनेशन है जिसमें बोलते हैं कि ये लेबर जो क्या है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो आ, जो फीमेल का जेनेटल ऑर्गेंस में होता है इन इन एफर्ट इसमें क्या एफर्ट आता है कि जो भी वाइबल प्रोडक्ट्स है कंसेप्शन का उसको एक्सपेल करने का एफर्ट आता है लाइक जैसे प्लेसेंटा हो गया फीटर्स हो गया एंड द मेम्बर आउट ऑफ वट आउट ऑफ द Womb, जो फीमेल का जो वोम है उसका उससे बाहर एक्सपेल होने एक्सपेल होने का एफर्ट देता है ना थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज नॉन एज लेबर सो हम पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल लेबर कैसा होता है सो नेक्स्ट है जो नॉर्मल लेबर है उसको हम क्या बोलते हैं यूटोशिया यूटोशिया भी बोलते हैं लेबर इज़ कॉल्ड नॉर्मली इफ़ इट फुलफिल्स फॉलोइंग क्राइटेरिया कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो फ़ुलफ़िल करना है कि ये एक नॉर्मल लेबर है इसे बताने के लिए सो so, जो फर्स्ट जो क्या है स्पॉन्टेस इन ऑन सेट एंड एंड एट टर्म मतलब कि एक नॉर्मल लेबर कैसा होना चाहिए आ, एक नॉर्मल लेबर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए इन ऑन सेट जो इन ऑन सेट ये एक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एंड एट टर्म होना चाहिए इसका प्री टर्म नहीं होना चाहिए तो एक टर्म एट टर्म या स्पॉन्टेनियस ऑनसेट जो ये एक नॉर्मल लेबर को डिफ़ाइन करता है नेक्स्ट इज़ विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशंस एक नॉर्मल लेबर में क्या होना चाहिए जो से बेबी का वो वर्टेक्स होना चाहिए वर्टेक्स में लाइक जैसे क्या होता है फीटस का जो हेड होता है वो फर्स्ट फर्स्टली होता है लाइक हेड डाउन पोजिशन होता है डाउनवर्ड पोजिशन में हेड होता है आ, वर्टेक्स पोजीशन में बेबी का जो हेड है वो फर्स्टली डाउनवर्ड पोजीशन में होता है सो so, वो एक नॉर्मल लेवल नॉर्मल लेबर का प्रेजेंटेशन है सो नेक्स्ट हम देखेंगे विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन कोई अनड्यू प्रोलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए एक नॉर्मल लेबर में कोई अनड्यू प्रो प्रोलोंगेशन नहीं होता है सो so, नेक्स्ट uh, है नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विथ मिनिमल एड का यूज होना चाहिए नेक्स्ट है विदाउट हैविंग एनी कम्प्लिकेशन्स लाइक एक नॉर्मल लेबर कैसा होता है कि इसमें कोई कंप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं होता है जिससे मतलब अफेक्ट अफेक्ट करेगा हेल्थ मदर का हेल्थ को और या बेबी का हेल्थ को सो so, एक नॉर्मल लेबर में ये कम्प्लिकेशन्स नहीं होता है नेक्स्ट uh, है एबनॉर्मल लेबर uh, कैसा होता है इसको हम एबनॉर्मल लेवल को हम डिस्तोशिया भी कहते हैं सो so, इसमें क्या है एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर जो हमने नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन पढ़ा है उससे अगर डेविएट होता है जो जो नॉर्मल लेबर में प्रेजेंट है क्राइटेरिया अगर उससे डेविएट होता है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर सो इसमें क्या होता है एबनॉर्मल लेबर में दस लेबर इन केस विद प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स अगर बेबी का जो प्रेजेंटेशन है अदर देन वर्टेक्स होगा तो क्या होता है ये एक एबनॉर्मल लेबर इसको एक एबनॉर्मल लेबर बोल सकते हैं और हैविंग सम कम्प्लिकेशन या फिर कोई एनी काइंड ऑफ कम्प्लिकेशंस होगा ड्यूरिंग द लेबर तो उसको हम एबनॉर्मल लेबर बोल सकते हैं इवन विथ वर्टिक्स प्रजेंटेशन इसमें बोला है कि अगर बेबी का प्रजेंटेश अगर वर्टिक्स हो की भी अगर कम्प्लिकेशन्स होगा वर्टिक्स हो की भी एक होगा तो ये एक एबनॉर्मल लेबर डिफाइन करता है इससे क्या होता है न, क्योंकि ये अफेक्ट करता है जो लेबर का कोर्स को अफेक्ट करता है अगर कोई भी कम्प्लिकेशन्स आता है तो सो so, नेक्स्ट uh, हम देखेंगे कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर क्या 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 कॉजेस होगा लेबर का लेबर का ऑनसेट में सो so, इसका कॉजेस है देर आर टू कॉजेस मैकेनिकल कॉज और uh, क्या था? मैकेनिकल कोर्स और बायोकेमिकल कोर्स होता है इसमें सो so फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिकल कोर्स मैकेनिकल कोर्स में क्या आता है यूटरन डिस्टें डिस्टेंशन होता है यूटरन डिस्टेंशन में क्या है स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है जो मायोमेट्रिम है uh, जो मायोमेट्रिम है मसल्स है उसमें क्या होता है स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है बाय द ग्रोइंग फीटस जो फीटस लिक्ड एम एम है उसकी वजह से क्या होता है मायोमेट्रियम में स्ट्रेचिंग इफेक्ट आता है सो so, uh, उसके बाद होता है स्ट्रेच ऑफ द लोअर यूटराइन सेगमेंट बाई प्रजेंटिंग पार्ट जो है uh, जो स्ट्रेच जो लोअर यूटराइन सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है स्ट्रेच होता है स्ट्रेच हो जाता है बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो बेबी है उसके वजह से बेबी का जो हैद है उसके वजह से क्या होता है लोअर यूट्रेन सेगमेंट में स्ट्रेच स्ट्रेचिंग होता है और मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स जो सर्विक्स है उसका भी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होता है एंड स्ट्रिपिंग ऑफ द फेटल मेम्बर जो फेटल का जो मेम्बर है उसका स्ट्रिपिंग होता है सो uh, नेक्स्ट so हम देखेंगे बायोकेमिकल केमिकल कोज बायो कोज में आ जाता है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन देन प्रोस्टाग्लैंड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है दे आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ये जो बायो केमिकल कोज जो है जो ऑन ऑनसेट ऑफ लेबर उसका जो बायो केमिकल कोज है उसका उसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच इनिशिएट एंड मैंटेन लेबर जो लेबर uh, जो लेबर होता है उसको इनिशिएट एंड मेनटेन करता है मेजर जो साइट्स है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस सिंथेसिस होता है उसका जो मेजर साइट्स है वो है एमनियन कोरियन डेसीडल सेल्स एंड मायोमेट्रियम सो ये uh, एक ये एक साइट है जिसमें सिंथेसिस होता है सिंथेसाइज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का नेक्स्ट है प्रोजेस्टर एंजियोटेंसिन टू हिस्टामाइन सीरोथोनिन एंड अदर्स सो ये लोग एक है, cause, uh, of of uh, so, uh, क्या है बाई केमिकल कॉज है ऑफ आंसर लेबर नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ फॉल्स पेन सो फॉल्स पेन क्या होता है इट इज़ फाउंड मोर इन प्राइमी ग्रेविडा देन इन पेरस वोमेन जो प्राइमी जो फॉल्स पेन होता है वो मोस्टली लाइक प्राइमी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम बेबी जो बेबी बियर करता है बेबी दे रहा है ना लाइक like बेबी uh, को बर्थ दे रहा है तो उसमें मोस्टली ये फॉल्स पेन जो प्रेजेंट होता है फाउंड होता है मिलता है ना प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है इट यूजली अपीयर्स प्रायर टू ऑनसेट ऑफ थ्रू लेबर पेन बाय वन और टू वीक्स इन प्राइमिक ग्रेविदा जो प्राइमिक ग्रेविदा में यूजली uh, ये जो ऑनसेट ऑफ जो थ्रू लेबर पेन है उससे पहले मतलब प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ थ्रू लेबर पेन ये जो फॉल्स पेन है वो अपेयर होता है बाय वन टू वन और टू वीक्स में प्राइमिक्रेविडे में एंड बाय ए फ्यू डेज इन मल्टीपेरा जो मल्टीपेरा होता है उसमें कुछ लाइक फ्यू डेज़ के बाद होता है बाय ए फ्यू डेज में होता है सो नेक्स्ट है जो फॉल्स स्पेन है उसको हम बोल सकते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस या प्रोड्रोमल भी बोल सकते हैं नेक्स्ट है इट इज़ इट इस बॉडी वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जो फॉल्स पेन होता है ये एक आ, ये बॉडी का ही एक सिस्टम है लाइक like, बॉडी का ही एक ऑन वे है थ्रू लेबर को प्रिपेयर करने का एक फॉल्स पेन जो एक वे है बॉडी का वे जो जिससे वो ट्रू लेबर को प्रिपेयर कर करता है बट दे डू नॉट इंडिकेट दैट लेबर हैज़ बिगन जो फॉल्स पेन होता है वो ये इंडिकेट नहीं करता है कि आ, जो लेबर है वो मतलब शुरू हो चुका है या बिगन हो चुका है तो ये बस एक बॉडी का वे है प्रिपेयर करने का फॉर ट्रू लेबर सो नेक्स्ट जो है फ़ॉल्स लेबर पेन इस करेक्ट इसको किस किस चीज़ से करेक्टराइज कर सकता है डल इन नेचर जो फॉल्स लेबर पेन होता है नेचर में डल होता है और कन्फाइन टू लोअर एब्डोमिनल एंड ग्रोइन जो ग्रोइन है और जो लोअर एबडोमिनल कन्फाइन होता है और यूजली रिलीव बाय एनलजेसिक ये जो फॉल्स पेन है इसको यूजली जो एनलजेसिक्स है एनलजेसिक्स है उससे ही मतलब यूजली रिलीव कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रू लेबर पेन का कैरेक्टरिस्टिक लाइक उसका करेक्टराइज बाई पेनफुल यूट्रेन कंट्रेक्शन इसमें क्या होता है जो थ्रू लेबर होता है उसमें पेनफुल यूट्राइन का कंट्रेक्शन होता है एट रेगुलर इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रेक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली जो कंट्रेक्शन uh, है उस वो कंट्रेक्शन uh, का जो फ्रिकुनसी है वो ग्रेजुअली क्या होता है इंक्रीज होता है ना इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली जो ट्रू लेबर होता है इसमें क्या होता है जो ड्यूरेशन है जो टाइम है जो इंटेंसिटी है कंट्रेक्शनस का वो इंक्रीज uh, होता है प्रोग्रेसिवली नेक्स्ट uh, हम देखेंगे प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इसमें प्रोग्रेसिव जो ट्रू लेबर है उसमें प्रोग्रेसिव क्या होता है इफ़ेमेंट होता है इफ़ेमेंट मीनिंग इफेसमेंट मतलब क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वो स्ट्रेच होता है और सर्विक्स uh, का स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है वो थिन हो जाता है मतलब पतला हो जाता है जिसकी थिन uh, uh, हो जाता है एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स और जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है ओपन अप हो जाता है नेक्स्ट uh, है डिसेंट डिसेंट जो थ्रू लेवर है उसमें क्या होता है डिसेंट होता है लाइक like बेबीज़ का जो हेड है मूव डाउन होता है ऑफ द मूव डाउन ऑफ द प्रजेंटिंग पार्ट जो प्रजेंटिंग पार्ट है बेबी का जो हैड है वो मूव डाउन हो जाता है आ, ट्रू लेबर पेन में और फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ फॉर वाटर्स जो बैग बैग ऑफ फॉर वाटर्स है जो बेबी का हेड से आगे होता है उसका क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है इन थ्रू लेबर पेन जो फोर वाटर है यूजली ये एक आ, न, ये जो ब्रेक हो जाता है लाइक जो फोर वाटर बैग है वो ब्रेक हो जाता है फट जाता है बिफोर द बिफोर ये लेबर से पहले ये ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग लाइक अर्ली पार्ट ऑफ लेबर जो लेबर का पहले ब्रेक होता है इन अर्ली पार्ट ऑफ लेबर लेबर से पहले ये ब्रेक हो जाता है बैग बैग ऑफ फॉर वाटर्स सो ट्रू लेबर पेन में फॉर्मेशन होता है बैग ऑफ फॉर वाटर्स